एक न्यू टास्क क्रिएट करते हैं। टाइप HTML आ गया, HTML को क्लोज किया, हेड आ गया, हेड को क्लोज किया, बॉडी आ गया, बॉडी को क्लोज किया, सेव कर दिया। टास्क टू डॉट HTML टाइटल आ गया, टाइटल को क्लोज कर दे। दिस इज टाइटल, बॉडी में आ गया, एक्टिव लगाएं, क्लास लगाएं, मेन बना लें, मेन को क्लोज कर दें, ऊपर आ जाएं, एक न्यू फाइल बनाएं, एक्स्ट्रा फाइल भी बना सकते हैं आप, न्यू CSS की लहदा, सैरिक लगाएं, ये लगाएं, मार्जिन पैडिंग ज़ीरो कर दें, सेव कर दें इसको, CSS का फोल्डर क्रिएट कर लें जैसे वो पहले करते थे, ताकि CSS के फोल्डर में जाके इस फाइल को सेव करें, स्टाइल वाली फाइल को, फाइल डॉट CSS। मेन को बुला लें, डॉट मेन, मेन को जो भी डिज़ाइन लगाएंगे वो अभी तक नहीं लगेगा क्योंकि लिंक ही नहीं किया दोनों फाइल्स को। मेन आपका 100% हो गया, हाइड मेन की अभी तक के लिए 600 650 कर लें, बाद में ऑटो ही करनी होती है आपको पता है। बैकग्राउंड रेड कर लें, हेड में आके फाइल को लिंक करें, भाई लिंक करें, रेफरेंस बताएं, CSS में जाओ, स्टाइल फाइल का नाम है डॉट CSS, उसकी एक्सटेंशन है, पेज के साथ रिलेशन उसका स्टाइल शीट है। इधर आ जाएं, उसको बुला लें, ये क्या हुआ, अच्छा ये आ गया, ये आपका मेन आया हुआ है, बेशक ख़त्म कर दो इसका बैकग्राउंड, ख़त्म कर दिया। डिव क्लास स्लाइडर का क्लास दे दे इस क्लास को, डॉट स्लाइडर, इमेज लगाएं, अभी ना भी स्लाइडर को डब्बा ले आए, स्लाइडर वाला डब्बा ले आए, डॉट स्लाइडर, पूरा स्लाइडर चाहिए 100% का वो ले लें भाई, अगर आपको 600-800 पिक्सल का चाहिए जैसा चाहिए आप ले सकते हैं। बैकग्राउंड ग्रीन, मार्जिन जीरो ऑटो सेंटर में करने के लिए ये आपका स्लाइडर आ जाएगा। मार्जिन टॉप कर दें 50px, पचास पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा, ये आपका स्लाइडर है। इसमें एक इमेज लगी होगी, साइड में बटन लगे होंगे, नीचे होगा, सब कुछ होगा, वो चीज़ें यहाँ पर आज। IMG लगाएं, IMG, SRC, इमेजेस, स्लाइडर 1.jpg, कोई इमेज लगाना है ना, इमेजेस का फोल्डर बना लें,
स्लाइडर इमेज ले लें, कहाँ से लेंगे, ग्रिंड एंड गेन से ले लेते हैं। स्लाइडर वन डॉट पी एन जी है, बैच थ्री में जेक्यूरी में इमेजेस के फोल्डर में इसका नाम रखते हैं स्लाइडर वन डॉट, ये आ गया स्लाइडर टू। जेपीजी ये आ गया स्लाइडर थ्री। अब साइज शायद इनका सेम ना हो, हम कर लेंगे सेम, वो कोई इशू नहीं, हम कर लेंगे ऐसा। हमने कहा जी इमेज लगे स्लाइडर वन डॉट पी एन जी, देखे जी स्लाइडर फिट आता है इसमें। स्लाइडर तो बहुत बड़ा हो गया, हमने फिट करना है, क्या करते हैं डॉट स्लाइडर उसकी इमेज विड्थ 100%, हाइट 100%, पूरी पूरी आएगी अपने पेरेंट पे आपका इमेज ही हो गया। बॉर्डर दे लें स्लाइडर को, बॉर्डर 5 पिक्सल या 10 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ये आपका स्लाइडर है। रेड दे लें, ब्लैक नजर नहीं आ रहा सही से। स्लाइडर टू डॉट जेपीजी भी लगा के देख लें, सही आ रही है वो भी ठीक आ गई। स्लाइडर थ्री डॉट जेपीजी भी लगा के देख लें, वो भी ठीक आ रही है, वो भी ठीक आ गई, तीनों के तीनों इमेजेस ठीक आ गई। अच्छा जी, अभी तक के लिए स्लाइडर वन डॉट जेपीजी रखते हैं इसको। मैंने कहा ये तो स्लाइडर बन गया, नीचे कोई आइटम भी तो लगाए ना 3-4 जिस पे क्लिक करके चेंज होना चाहिए। इधर आ जाए, इसी स्लाइडर के अंदर ही यूएल लगाएं, यूएल को क्लोज करें, एलआई लगाएं, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा जी, एल आई एक एल आई हो गया, इस एल आई के अंदर इमेज लगाएं, आईएमजी एसआरसी इमेजेस में जाएं, स्लाइडर वन डॉट पीएनजी एक इमेज आ गई, स्लाइडर टू डॉट जेपीजी, स्लाइडर थ्री डॉट जेपीजी, ये तीन इमेजेस हैं आपकी, जरा चेक कर रहे हैं, ये तीन इमेजेस आ गई हैं नीचे, तीन इमेजेस आ गई हैं नीचे, ये देखें वो तीनों की तीनों आ गई। इनको करना क्या है बेसिकली, अब यूएल को क्लास दे दें, ट्रिगर बुलेट्स कुछ भी कह लें इसको, बुलेट्स कह लें, डॉट बुलेट्स, जी डॉट बुलेट्स, एल आई बुलेट्स की एल आई विड्थ कर दें 30 पिक्सल, हाइट कर दें 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दें रेड, बॉर्डर माइनस रेडियस 100%, छोटे छोटे हो गए, लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप नन कर दिया, जो लिस्ट का स्टाइल टाइप आ रहा है साथ में डॉट 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 ये ख़त्म हो जाएगा। ओवरफ्लो को हिडन कर दें, तस्वीरें गोल हो जाएंगी, फ्लोट लेफ्ट कर दें, एक लाइन में आ जाएंगे,
मार्जिन दे दें टॉप से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 10 पिक्सल मार्जिन भी आ जाएगा। बुलेट्स भी आ जाएं, बैकग्राउंड दे दें रेड, बुलेट्स का बैकग्राउंड रेड आता है देखो ज़रा, यूएल का पूरी का बैकग्राउंड रेड करना है, ओवरफ्लो को हिडन करना है, रेड आ गया। पोजीशन को एब्सोल्यूट करो ताकि आप इसको ऊपर लेके आ जाओ तस्वीर के, नहीं तो नीचे आ रहा है। पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, लेफ्ट को 0 पिक्सल कर दो, राइट को भी लेफ्ट 0 पिक्सल है, बॉटम 0 पिक्सल है, बॉटम को 0 की बजाय 10 पिक्सल कर दें, बॉटम से ऊपर चला जाए, बॉटम से 10 पिक्सल ऊपर जाना था इसने। क्या करें अभी, लेफ्ट 0 किया, बॉटम से 10 पिक्सल ऊपर किया, वो किधर चला? सर वो पोजीशन रिलेटिव देंगे ऊपर जो फ्रेम है। मेरी नसें खींची गई हैं भाई ऊंचा बोलने की वजह से। अरे सुन लिया करो यार, जवाब दे दिया करो, मुझे क्यों ऊंचा बोलना पड़ता है। ये जब पोजीशन एब्सोल्यूट करके लेफ्ट 0 बॉटम 0 किया तो वो बॉडी को अपना पेरेंट मानने लग गया, बॉडी के लेफ्ट पे चला गया, बॉडी के बॉटम पे चला गया, ऐसे ही हुआ। क्या करें पोजीशन अपने पेरेंट पे लेके आने के लिए, पोजीशन रिलेटिव, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दें, स्लाइडर को जाएं, स्लाइडर को पोजीशन रिलेटिव दे दें। सर 3-3 बजे आ रही है आपकी ना, जी सर डिले भी आ रहा है, डिले भी आ रहा है, डिले आ रहा है। मैं बंद करता हूँ एक मिनट, मैं बंद करता हूँ। और यार इंटरनेट कनेक्टेड है कॉलेज वाला पीटीसीएल का, ये पता नहीं 2-3 MB का इंटरनेट है, ये देखें ज़रा। मैंने कहा स्क्रीन का डिले तो नहीं आता, ये देखें अभी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? सर आ रही है कॉलेज वाला इंटरनेट कनेक्टेड। यस सर। अभी नहीं इंशाल्लाह डिले आएगा, अभी नहीं डिले आएगा। पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दी, आपकी तस्वीर जो है ये वाली चीज वहां पे चली गई। अब अच्छा जी, बुलेट्स का बैकग्राउंड रेड है, लेफ्ट 0 किया, बॉटम 0 किया, राइट को भी 0 कर दें, 0 पिक्सल किया राइट को भी, 0 इसलिए किया क्योंकि मार्जिन 0 ऑटो करना था, मार्जिन 0 ऑटो कर दें, बुलेट्स मार्जिन 0 ऑटो। आपका आ गया स्लाइडर के जो आइटम्स हैं। मैंने कहा यार तस्वीरें छोटी छोटी क्या नजर आ रही हैं, तस्वीरों की बजाय हम क्या करें,
पीछे बैकग्राउंड ही शो करवा लेते हैं। बुलेट्स का येलो ख़त्म किया, इनके अंदर पैडिंग इतनी सारी दे दी कि सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड नज़र आए, तस्वीरें नज़र ही ना आई। ये देखिएगा जो आपके आइटम्स हैं ना LI के, इधर आएँ, पैडिंग इतनी सारी दे दें, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस क्या होता था प्रॉपर्टी यार, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, गायब हो गया आपका एलिमेंट, नजर तो नहीं आ रही इमेज इसमें, बस no, ऐसा काम कर, ऐसा करते हैं इसके साथ, ये कॉपी करें यहाँ पे और यहाँ पर आ जाए, पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर हो गया आपका, ये भी लग गई, ऊपर तस्वीर भी लग गई। अब जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं, सॉरी जेक्यूरी, जेक्यूरी को अटैच नहीं किया, ऊपर आए स्क्रिप्ट में जाएं, स्क्रिप्ट में सोर्स लगाएं, जेएस में जाके jQuery.js पड़ी हुई है, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दें, जेक्यूरी भी अटैच हो जाएगी। अब करना क्या है बेसिकली, जिस पे क्लिक हो उसकी तस्वीर ऊपर जानी चाहिए, स्क्रिप्ट लगाएं, स्क्रिप्ट को क्लोज करें, डॉलर साइन डॉट बुलेट्स, बुलेट्स के किसी भी LI पे क्लिक को, ऐसे ही है ये तीन LI, इनमें किसी पर भी क्लिक को ये लगाना डॉट बुलेट्स, उसका LI डॉट क्लिक फंक्शन कॉल हो, फंक्शन की ब्रेसिस, ये क्लिक वाला आपने तरीका नहीं भूलना, ये देखिए डॉलर साइन सिलेक्टर आ गया जिसको सिलेक्ट करना है, बुलेट्स की LI, बुलेट्स की किसी भी LI पे क्लिक हो जाए तो एक फंक्शन कॉल करो, उस फंक्शन में अलर्ट कर दो अभी ए, अभी देखिएगा हर LI पे ए कॉल होगा, ए ए ए, वो एक तरीका नहीं रहा कि डॉक्यूमेंट में जाओ गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे फिर क्लिक कराओ, आईडी तो एक ही होती थी, तो आप जितने भी LIs हैं सब पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, क्या करना है आप, डॉलर साइन दिस का क्या मतलब बताया था, डॉलर साइन दिस क्या मतलब, दिस का जी क्लास बुलाई है ना, क्लास बुलाई है जिस पर क्लिक हुआ, जिस पर ये लगाया एक्शन डॉट क्लिक दिस डॉट हाइड करके चेक कर लिया करो मेरा दिस सही चल रहा है, क्या नहीं चला, सही चला, आपको पता ही नहीं चला इतनी जल्दी से वो हाइड हुआ और वो दूसरा उसके नीचे आ गया, आप हाइड विजिबिलिटी लगा के हो जाएगा, आप यार इसका टाइम लगा फिर आपको पता चलेगा, आप पता चल रहा है, आप पता चल रहा है ना, अच्छा जी आपको पता चला कि दिस ठीक चल रहा है, मैंने कहा क्या करना क्या है, जिस पर क्लिक हुआ है उसका चिल्ड्रन इमेज है, ठीक है, दिस डॉट चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन क्या कहता है, CHILDREN, चिल्ड्रन कहता है कि इसका चाइल्ड सिलेक्ट करो, LI पे क्लिक हुआ LI का चिल्ड्रन इमेज है, चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन डॉट एटर, चिल्ड्रन का एट्रीब्यूट उठाओ, भाई कौन सा एट्रीब्यूट उठाने से इमेज मिल जाती है हमें, कौन सा एट्रीब्यूट उठाऊं यहां से, SRC में नहीं इमेज पड़ी, सोर्स में चेंज इमेज, पहली इमेज दूसरी इमेज सोर्स में पड़ी है, आप कहें जिस पे क्लिक हुआ है उसकी चिल्ड्रन में जाएं, उस चिल्ड्रन का एट्रीब्यूट सोर्स उठा लें, क्लिक हुआ चिल्ड्रन के पास गए उसका एट्रीब्यूट सोर्स उठा लिया, उठा के वेरिएबल सोर्स में रखवा दें,
उठा के वेरिएबल सोर्स में रखवा दें, चेक कर लें जरा, सोर्स को चेक कर लें कि वैल्यू सही उठ रही है। हाँ जी बेटा जी सर, इमेज उठा रहा है, इमेज का एड्रेस आ रहा है सही से, आराम से जाओ ऊपर, डॉलर साइन स्लाइडर, स्लाइडर स्लाइडर की इमेज, स्लाइडर की इमेज डॉट एटर, स्लाइडर के पास जाओ, उसकी जो इमेज है उसका एट्रीब्यूट एसआरसी कर दो जो ऊपर से सोर्स वेरिएबल में आया है। तरीका देखो, एटर में एसआरसी सिर्फ एक लिखा तो सोर्स उठा लिया, कोमा लगा के दूसरा बता दिया तो सोर्स दे दिया। देखो जरा जाके सोर्स जाता है उनके पास, नहीं जा रहा, क्या मसला आया? क्या मसला आया? और डार्ट नहीं लगाया स्लाइडर का यार, क्लास डार्ट स्लाइडर की इमेज में जाके ये लगा दो भी नहीं, डॉलर साइन डॉट स्लाइडर, उसके अंदर आईएमजी सब क्लास दी हमने स्लाइडर में, बताओ इमेज जाके टैग है या इमेज को क्लास दे लें, ये तीसरे का नहीं लग रहा है, अब दोबारा चेंज ही नहीं हो रहा तो गलत बात, ये तो गलत बात है, चेक करो जाके जरा। नोट करो तीनों की इमेजेस में क्या आ गया, इस पर क्लिक करो। क्यों भाई, आपने कहा स्लाइडर की इमेज, ओ अल्लाह के बंदो ये भी तो स्लाइडर की इमेजेस ही हैं, तीन जो नीचे वाली हैं, ऐसे ही है, ये भी तो स्लाइडर में ही आ रही हैं, इसको क्लास दे दो फ्रेम इमेज या स्लाइडर इमेज, स्लाइडर इमेज, इसको क्लास दी स्लाइडर इमेज की। अब आराम से बेशक इधर सीधा सीधा स्लाइडर इमेज लगा दो, डॉट स्लाइडर का स्लाइडर इमेज उसका सोर्स ये कर दो, अब आपको टेंशन नहीं। ओके है जी, बताओ। और ये ठीक है जी? जी सर ठीक है सर, ठीक है सर। बोलते हुए जबान दुखती है, क्या होता है, एक्टिव रहा करो। अब क्लिक पे ठीक हो गया, मैंने कहा ये तो ठीक है यार, इनको एक्टिव क्लास भी लगाओ ना कि मुझे पता चले इस वक्त कौन सा एक्टिव है। मैंने कहा ठीक है लगाते हैं, डॉलर साइन दिस पे क्लिक हुआ, उसको ऐड क्लास करो, कौन सी क्लास ऐड करनी है, एक्टिव की, एक्टिव की क्लास तो ऐड हो जाएगी, आपने सीएसएस में कोई एक्टिव पे काम ही नहीं किया। सीएसएस में जाओ डॉट एक्टिव, बैकग्राउंड रेड कर दो एक्टिव का, ताकि पता चले एक्टिव एलिमेंट रेड हुआ पड़ा है। This dot class active. जिस पे क्लिक हुआ LI पे, LI को बुलाया, उस पे क्लास एक्टिव लगा दिया, ACTIVE active, ACTIVE active. मसला क्या, चेक कर लेते हैं।
जिस बार बार यूज कर सकते हैं उसी ऊपर वाले फंक्शन के क्लिक वाले के। ये तो लग जाता है, दिस का तो कोई इशू नहीं, इसको तो बार बार बुला सकते हैं। देख लें हो क्या रहा है। इस पे क्लिक किया, तस्वीर चेंज होगी, जरा देखो एक्टिव लगा, एक्टिव लग गया, लेकिन हुआ क्या, वो बुलेट्स एल आई उसका पेरेंट साथ बुलाया हुआ है, तो बैकग्राउंड ये लगा, एक्टिव को दे दो इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंट दे दो, लग गया एक्टिव, एक्टिव लग रहा है लेकिन रिमूव नहीं हो रहा जी सर, लेकिन रिमूव नहीं हो रहा, इस पे लग गया, इस पे लग गया, इस पे लग गया, रिमूव नहीं हो रहा। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे सर, बाकी दो पे रिमूव लगाएंगे, डॉलर साइन, तमाम एल आईज को बुला लें, डॉट बुलेट्स उनके एल आई, लो जी तमाम को बुला लें, एक पे क्लिक हुआ था उस पे लगा दो, बाकी सब से रिमूव कर दो, क्लास कौन सी क्लास रिमूव कर दो, एक्टिव की, डॉट बुलेट्स एल आई रिमूव क्लास, ये क्या हुआ, अब लग ही नहीं रहा वो सर, रिमूव पहले नहीं लगाएंगे, ऐड बाद में करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर वो दिस डॉट ऐड क्लास करके एक्टिव लगा देता है, ये तमाम से रिमूव कर देता है, वो जिस पे क्लिक हुआ उस पे भी रिमूव हो जाता है। तो इस कोड को ऊपर लगाओ ताकि पहले सबसे हटाए, जिस पर क्लिक हुआ उस पे लगाए, ये देखिए ओके की रिपोर्ट में हो गया ये काम, ये सर अब ठीक हो, ये ठीक हो गया। अच्छा अब जब लोड होता है पेज, तस्वीर तो पहली लगी हुई है, पहला एक्टिव नहीं है, ऐसा ही है Yes, या तो पहले आते ही तस्वीर भी हटा दो, लेकिन मैंने कहा तस्वीर आती लगे तो फिर पहले को यहीं से क्लास एक्टिव लगा दो, खुद ही तस्वीर भी तो खुद ही लगाई है, लो जी अब टेंशन नहीं, जिस पे क्लिक हो वो वाली तस्वीर ऊपर आ जाए, वो तो आ रही है, वो तो मसला ही नहीं हुआ, ये हो गया। अब करना क्या है, अब नेक्स्ट और प्रीवियस वाला काम करना है, ये तो इजी था, ऐसे करने से हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ, बटन लगाएं नेक्स्ट का, स्लाइडर में यहां पर डिव लगाएं, क्लास नेक्स्ट बीटीएन, डिव को नाम दे दें, फिर एक डिव लगाएं उसको नाम दे दें प्रीवियस बीटीएन पीआरईवी, इन दोनों में आइकन लगाएं, फॉन्ट असम पे जाएं, असम सीडीएन लिंक, W3 स्कूल से सीडीएन का लिंक लो, हेड में आके लगा दो, लिंक करो, वो लिंक हो गया आपका, नीचे बुलाओ आए क्लास एफ ए, एफ ए माइनस एरोस देख लो डायरेक्शनल, आपको भी यहाँ से मिल जाएंगे डायरेक्शनल, डायरेक्शनल जो अच्छा लगे इनमें से वो लगा देते हैं, ये लगा दो, ये लगा दो, जो जो आपको ठीक लगे ये लगाते हैं। आई को कर दिया क्लोज, ये राइट था सॉरी, ये इसको लेफ्ट करो, ये पिछला है, इसको राइट करो, आपके एरोज लगे आ जाएंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चले जाओ, जब इंस्पेक्ट में चले गए तो प्रीवियस बटन पे रखो, विड्थ कर दो इसकी 30 पिक्सल, हाइट कर दो 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दो ऑरेंज, बॉर्डर रेडियस 100%, लाइन सेंटर, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल,
बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स पैडिंग को कम कर दो थोड़ी सी। चलो जी ये आपका हो गया। अब प्रीवियस बटन और इनको एक आईडी बीटीएन की दे लो सेम आईडी, क्योंकि सेम स्टाइल भी तो लगना ना, कलर वगैरह इनका सेम होगा, तो डॉट बीटीएन को इधर बुला लो। डॉट बीटीएन BTN पे बुला के ये चीजें लगा दी। अब दोनों पे लगेंगी, लग गई। थर्ड नेक्स्ट BTN को बुलाएं। नेक्स्ट BTN को क्या करें, पोजीशन एब्सोल्यूट भी इनकी इधर ही डिफाइन कर दें। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50%, ये तो सबके लिए सेम आना है। सिर्फ नेक्स्ट बटन को राइट कर देना है, राइट 0 पिक्सल, और प्रीवियस बटन का लेफ्ट 0 पिक्सल। क्या ये अपनी जगह पे फिट आए हैं? टॉप से 50% ही हैं? नहीं सर, इसको ट्रांसलेट वाई करेंगे ना, -50 ट्रांसफॉर्म करेंगे। इनको ट्रांसलेट वाई करें क्योंकि ये अपनी विड्थ को, अपनी हाइट को क्लोज इंक्लूड कर रहे हैं उसके अंदर। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय -50%। कर्सर इन पे पॉइंटर कर दें। उलट नहीं लगा दिया हमने, आए फॉन्ट ऑसम तो राइट नहीं किया, राइट नहीं लिखा उसको, राइट ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये तो ठीक चल रहे हैं। अब मैंने इस पे क्लिक करना है नेक्स्ट BTN पे। अच्छा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये क्लिक कंप्लीट होगी। अब नई क्लिक बनाओ, नई क्लिक क्या है, नेक्स्ट BTN डॉट क्लिक। जब क्लिक हो ये फंक्शन कॉल करो, फंक्शन की ब्रेसेस बनाओ। ये ठीक हो गया, इसमें कोई भी काम करके देख लो कि अलर्ट आपका चल रहा है नहीं चला, क्योंकि डॉट नहीं लगाया। अब चल गया, ठीक हो गया, अलर्ट को खत्म कर दो। यहां पर करना क्या है, हमेशा सबसे पहले आपने एक्टिव LI उठाना है, पता चले कि एक्टिव आइटम कौन सा है। डॉलर साइन डॉट बुलेट्स डॉट फाइंड बुलेट्स में से एक्टिव को फाइंड करें। फाइंड का क्या करता है, फाइंड अपने चाइल्ड में से जाके ढूंढेगा, फाइंड अपने चाइल्ड में से जाके ढूंढेगा। जितनी चीजें अभी तक की हैं बता देता हूं, दिस डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी चिल्ड्रन में से ढूंढता है। एक्टर एट्रीब्यूट उठाता है। रिमूव क्लास, क्लास को हटा देता है। एड क्लास, क्लास को लगा देता है। अभी जो फाइंड कर रहे हैं ये भी चाइल्ड में से जाके ढूंढेगा जिस तरह चिल्ड्रन किया है। डॉट बुलेट्स, बुलेट्स की जितनी भी LI है उनमें से एक्टिव LI फाइंड करो। ये देखो ये बुलेट्स है, बुलेट्स डॉट फाइंड। बुलेट्स के नीचे जाओ, उसके अंदर ये 3 LI है, इनमें से जो एक्टिव है वो फाइंड करें। कौन सी एक्टिव है, पहली, पहली को ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा। जरूरी नहीं पहली ढूंढेगा भाई, तीसरी होगी तब भी बता देगा, दूसरी होगी तब भी बता देगा। डॉलर साइन डॉट बुलेट्स डॉट फाइंड एक्टिव, एक्टिव LI ढूंढ दो। इतना करने से आपको एक्टिव LI मिलेगा। बार एक्टिव LI, ये लो जी। एक्टिव LI आपको मिल गया, एक्टिव LI आपको मिल गया।
डार्ट बुलेट्स में से जाके फाइंड करो कौन सी एक्टिव है, तीनों में से एक ही एक्टिव होगी ना, वो एक्टिव एल आई आपको मिल गई है, मिल गई है। क्या करो, जब एक्टिव एल आई मिल गया है तो एक्टिव एल आई डॉट इंडेक्स, एक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर लो, और एक्टिव इंडेक्स भी मिल गया आपको, चेक कर लो, देख लो एक्टिव इंडेक्स मिलता है सही या नहीं, अलर्ट कर दो, देख लो अलर्ट करके। जीरो सही मिला है, ओ जीरो सही मिला है ना, जीरो ही एक्टिव है ना। ये एल आईज कितनी है पेज में, अच्छा कोई मुझे बताएगा इन एल आईज की लेंथ कितनी है? यार लेंथ पूछी है, लेंथ टोटल, जो लेंथ है वो है तीन, जो इंडेक्स है वो जीरो से वन टू तक जाते हैं, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, इंडेक्स एक डब्बा कह लें कि एक इंडेक्स जीरो से गिनती स्टार्ट करनी है, लेकिन लेंथ को वन से स्टार्ट करना है। मैं लेंथ पूछूं, लेंथ कितनी है? थ्री। पहला इंडेक्स कौन सा है? जीरो। लास्ट इंडेक्स कौन सा है? टू। टू, गुड हो गया। यहां लेंथ है होती 100, तो पहला इंडेक्स क्या था? जीरो। लास्ट इंडेक्स 99। अब मुझे जीरो इंडेक्स मिल गया है, मतलब एक्टिव इंडेक्स मुझे मिल रहा है, इसको अब एक्टिव कर देते हैं, अब एक्टिव वन मिल रहा है, इसको एक्टिव कर देते हैं, अब एक्टिव टू मिलेगा, मतलब एक्टिव इंडेक्स बिल्कुल ठीक मिल गया। एक्टिव एल आई मिला तो एक्टिव इंडेक्स मिला ना, पहले एक्टिव एल आई ढूंढा फिर उसका एक्टिव इंडेक्स ढूंढ लिया। मैंने कहा करना क्या है, जब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक हो एक्टिव एल आई ढूंढो, एक्टिव एल आई में आ जाए, एक्टिव एल आई का इंडेक्स भी ढूंढ लो वो भी आ जाए। मैंने कहा एक्टिव एल आई आया हुआ है, क्या करो एक्टिव एल आई, एल आई एक्टिव एल आई डॉट नेक्स्ट का फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट एलिमेंट को ढूंढता है। एक्टिव एल आई आपका ये था, जो ही मैंने क्लिक किया इसने नीचे वाली जो भी कोड किया इसने नेक्स्ट एल आई को ढूंढ लिया, एक्टिव एल आई डॉट नेक्स्ट बार नेक्स्ट एल आई मिल जाएगा आपको। नहीं यकीन तो देख लो, क्या करो नेक्स्ट एल आई डॉट हाइड, हाइड करके देख लो नेक्स्ट एल आई हाइड होता है कि नहीं, अभी देख लेते हैं। ये यहां पर है, हो गया नेक्स्ट एल आई हाइड, वो नेक्स्ट ही हुआ है आपको पता नहीं चला, हाइड में टाइम डाल दो फिर पता चलेगा। एक्टिव ये है, नेक्स्ट हाइड हुआ, यस सर, मिल गया, इसका मतलब वो भी सही मिल गया। भाई नेक्स्ट को हाइड तो नहीं करना, क्या करना है नेक्स्ट एल आई का, उसकी चिल्ड्रन का सोर्स लेना है, जिस तरह यहां पर लिया है दिस डॉट चिल्ड्रन एटर सोर्स, तो यहां पर दिस की जगह पे सिर्फ नेक्स्ट एल आई आ जाएगा, नेक्स्ट एल आई डॉट चिल्ड्रन डॉट एटर सोर्स SRC। ये देखो ये दिस है जिस पे क्लिक हुआ है, ये नेक्स्ट चाहिए थी, नेक्स्ट एल आई डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की ये ब्रेसिस नहीं डाली, डॉट एटर सोर्स आ जाए जी, उसी तरह वार सोर्स में रखवा लें, अब तो सेम आ गया तरीका जैसे ऊपर था, वार सोर्स में आपका सोर्स आ जाएगा जिस तरह यहां पर रखा। भाई सोर्स तो आ गया, ये स्लाइडर के स्लाइडर इमेज को सोर्स दे भी दो, जिस तरह ऊपर दिया सोर्स दे भी दिया, चेक कर लो एक्टिव वो है, एक्टिव चेंज हो गया, सॉरी तस्वीर चेंज होगी, नेक्स्ट आ गई तस्वीर, लेकिन एक्टिव नहीं आया नेक्स्ट, लेकिन एक्टिव नेक्स्ट नहीं आया तो क्या करें, एक्टिव ऐड करना है किसको, बुलेट्स को, नेक्स्ट एल आई को, यार बुलेट्स को नहीं, नेक्स्ट एल आई इधर पड़ी है जिसका चिल्ड्रन का सोर्स उठाया है, नेक्स्ट एल आई को एक्टिव ऐड कर दो, नेक्स्ट एल आई डॉट एड क्लास
एक्टिव, एक्टिव ऐड कर दो नेक्स्ट एलआई को, देखो ऐड हो रहा है, हो गया एक्टिव ऐड? यस सर। लेकिन पीछे से रिमूव नहीं हुआ। रिमूव करने का तरीका क्या था? तमाम को कॉल कर लो, रिमूव क्लास कर दो एक्टिव, उससे रिमूव हो जाएगा। तमाम को बुलाओ, रिमूव क्लास एक्टिव। ओके हो गया जी, सारा चीज ठीक चल रही है। अब लास्ट पे जाके फिर पंगा डाल गया। इसको कहो जब इंडेक्स आ जाए लास्ट, वैसे हम कंडीशन लगा सकते हैं इंडेक्स आ जाए तीन, लेकिन अभी तो हमें पता है कि तीन है, क्लाइंट इसमें 100 इमेजेस ऐड कर दे बाद में, आपका कोड गलत हो जाएगा, आपका तीन पे ही वापस आ जाया करेगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया तीन। मैंने फिक्स नहीं करना, मैंने उसकी लेंथ उठानी है, ऑटोमेटिकली लेंथ उठानी है, लेंथ उठा के माइनस करके लास्ट इंडेक्स निकाल लेना है। एक्टिव इंडेक्स मुझे मिला हुआ है, देखो मुझे लास्ट इंडेक्स निकालना है, वो कैसे निकलेगा? मैंने कहा डॉलर साइन कार्ड बुलेट्स का एल आई डॉट लेंथ, मुझे लेंथ मिल जाएगी बार एल एन, लेंथ में रखवा दी, लेंथ लेके मैंने कहा कंडीशन लगाओ इफ एल एन लेंथ इक्वल टू सॉरी लेंथ नहीं एक्टिव इंडेक्स इक्वल टू लेंथ माइनस वन, आपको लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। ये इफ आ गई, जब ये इफ आई नीचे वाला सारा कोड एल्स में कर दो, कि जब वो चले फिर एल्स ना चले, वो एक ही दफा होगा, एक ही दफा लास्ट इंडेक्स आएगा ना, बाकी तो दूसरे इंडेक्स होंगे। यस सर। अब इसमें अलर्ट करके देख लो, लास्ट पे जाके अलर्ट आता है लास्ट एलिमेंट या लास्ट एल आई आ गया, ये लिख दिया ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई लास्ट आ गया, बता दिया उसने लास्ट। जी सर। इसका मतलब लास्ट मिल गया। मैंने कहा करना क्या, कुछ भी नहीं, जब लास्ट आ जाए तो क्या करो, फर्स्ट को कॉल कर लो डॉट बुलेट्स उसका एल आई डॉट फर्स्ट, ये डॉट फर्स्ट की क्लास और सॉरी मेथड, जिस तरह डॉट नेक्स्ट का मेथड है ना, वो उससे अगला ढूंढता है, डॉट प्रीवियस उसे पिछले को पकड़ेगा, डॉट फर्स्ट एल आई में से सारी में से पहली लेगा, डॉट बुलेट्स पहली एल आई लेगा और फर्स्ट एल आई। चलो जी, पहली एल आई मिल गई आपको, पहली एल आई मिल गई आपको, उठा लो फर्स्ट एल आई डॉट चिल्ड्रन डॉट चिल्ड्रन डॉट एटर, इसके चिल्ड्रन का एटर उठाओ, एट्रीब्यूट उठाओ, सोर्स बार सोर्स में रखवा दो, आ गया वही सोर्स, आगे फ्रेम को दे दो ऊपर स्लाइडर इमेज को, वो भी दे दिया, जरा चेक कर लो, यही तस्वीर आएगी ग्रिंड एंड गेन प्रेजेंट्स वाली। लास्ट आ गया, लास्ट इंडेक्स आपको नजर आ रहा है इस वक्त? यस सर। मैं क्लिक करूंगा पिक्चर आ जाएगी, लेकिन एक्टिव आगे नहीं चला, ऐसा ही है? जी सर। ये देखें एक्टिव का कोड ही नहीं किया अभी हमने, इधर करें डॉलर साइन सॉरी फर्स्ट एल आई, फर्स्ट एल आई को एक्टिव लगा दें, एड क्लास एक्टिव, जैसे भाई फर्स्ट एल आई के चिल्ड्रन को उठाया है ना, तो फर्स्ट एल आई को एक्टिव भी लगाओ, एक्टिव लग गया पहले को, लेकिन लास्ट वाले पे भी है, उससे रिमूव नहीं हुआ, तो अब तमाम से रिमूव करवा दो। तमाम से रिमूव करवाने का तरीका ये, बाद में लगाना, पहले तमाम से रिमूव करवा दो, सारे एक दफा खाली हो जाएंगे, जिस पे मन चाहे पे लग जाएगा फर्स्ट एल आई पे। ओके की रिपोर्ट में ये प्रोग्रामिंग है, ये फिर ऐसे ही होगी लॉजिक। इसलिए तो कहता हूं कि जब काम कर रहे हो थोड़ा सा माइंड हट जाए यहां से, अभी तो प्रैक्टिस हो गया बहुत ज्यादा,
जो मुश्किल काम होते हैं वहां पे हम भी रुक जाते हैं, अगर कोई बीच में मगर काम कर रहे हैं, कोई कह दे जी घर वाले ये काम कर रहे हैं ये काम कर, उसके बाद आधा घंटा फोकस पे लग जाता है किधर थे क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। तो ये लॉजिक, ये देखिए आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ ऑटोमेटिकली चल रहा है। यस सर। प्रीवियस कर लोगे? सर कर लेंगे। क्या कहते हैं? इंशाल्लाह सर जरूर। ऑटो चला दें इसको? जी सर नेक्स्ट ऑटो चला दें। ऑटो कैसे चलाना है? ये जो सारा नेक्स्ट का फंक्शन है ना, सारा कोड नेक्स्ट का कॉपी कर लो, कॉपी करके फंक्शन बनाओ अपनी मर्जी का जैसे बनाते थे, नेक्स्ट फन का उसको नाम दे दो, उसमें सारा कोड पेस्ट कर दो। अब ये कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक इसको कॉल नहीं करोगे, क्लिक पे कॉल ही नहीं करवाया, क्लिक से तो हटा दिया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखो नेक्स्ट फन ऐसे ही पड़ा हुआ, इसको कॉल करने का तरीका क्या है? क्लिक पे जाके कॉल कर दो। अब आके चल गया आपका नेक्स्ट का फंक्शन। कॉल हो गया, सेट इंटरवल ये फंक्शन है, दो आर्गुमेंट मांगता है, एक फंक्शन जिसमें कोई काम करवाना चाह रहे हो, एक टाइम जितने में जितने टाइम के बाद वो फंक्शन कॉल हो, हर एक सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन कॉल होता है, ये वाला, इस फंक्शन में कोई काम करवा दो, क्या करवाना है, ये नेक्स्ट फन को उठा दो, ये लगा, पेज को रिफ्रेश करो मेरा बेटा। ठीक हो गया? यस सर। प्रीवियस हो जाएगा? बोलो भाई प्रीवियस हो जाएगा? अभी कोड भेज रहा हूं, अभी कोड भेज रहा हूं सारा जिप बना के, ये देखो। जी सर भेज दें, हम ट्राई करते हैं। एक दो तीन और ये जिप ऐड कर रहा हूं, पूरा फोल्डर भेज रहा हूं, इसी को अभी ओपन करो, प्रीवियस को चला के दिखाओ मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर चले जाएं एडमिन से, एडमिन में जाके हम यहाँ पर वो जिप फाइल को भेज देते हैं, अभी इसको ओपन करो, प्रीवियस चला के दिखाओ।